फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि नई रेसिपीज़ आपको फ़ौरन मिल जाएं। आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवाज किचन। फ्रेंड्स, आज की रेसिपी है बहुत ही जल्दी और झटपट से बनने वाली, तो मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ पफ पेस्ट्री पुडिंग। बहुत ही जल्दी से बनती है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता इसे बनने में और काफ़ी टेस्टी भी होती है। तो इसके लिए मैंने ये पफ पेस्ट्री स्टिक्स ली हैं। देखिए, मैं आपको पास से दिखा देती हूँ पैकेट इसका। अगर आपको ये पफ पेस्ट्री स्टिक्स नहीं मिलती हैं तो जो पफ पेस्ट्री आती है क्रीम वाली या फिर जैम वाली, वो भी आप इसमें ले सकते हैं। तो ये देखिए, मैं आपको इसे दिखाती हूँ कि ये किस तरह की है। ये देखिए, ये इस तरह से इसकी स्टिक है। ये मीठी वाली है। इसके ऊपर आप देखें शक्कर के दाने भी हैं थोड़े से लगे हुए, तो ये मैंने ले लिए। तो पुडिंग बनाने के लिए इसे हम एक डिश में ऐड कर लेंगे जिसमें हमें पुडिंग को सेट करना है। तो ये मैंने एक डिश ले ली है, इसमें हम पफ पेस्ट्री जो है ना उसे डाल देंगे। इस तरह से तोड़ के ही डालना है इसमें, और ये बहुत जल्दी से पुडिंग बन जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए। तो ये जितने भी पफ पेस्ट्री स्टिक्स हैं मैं इसमें डाल देती हूँ इस तरह से तोड़ के। तो ये देखिए, पफ पेस्ट्री को मैंने इसमें डिश में ऐड कर लिया है। अच्छे से तोड़ के ऐड किया, बहुत ज़्यादा बारीक बारीक ना करें, इस तरह से मोटे मोटे पीसेस भी इसमें होना चाहिए। और अब इसे एक साइड में रख देते हैं और एक पैन ले लेते हैं। तो उसे पैन में हम ऐड करेंगे दूध। मैं एक लीटर दूध ले रही हूँ, और जो पफ पेस्ट्री ली मैंने पूरे एक पैकेट है। तो दूध को मैंने पैन में ऐड कर लिया है, और ये लिया है मैंने हाफ कप मिल्क पाउडर, इसे भी इसमें ऐड कर लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब चीज़ों को इसमें मिक्स कर लेना है दूध के अंदर। तो ये देखिए, मिल्क पाउडर तो इसमें मैंने ऐड कर लिया है, और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हाफ टेबल स्पून कंडेंस्ड मिल्क, इसे ऐड कर लेंगे। इससे ये बहुत ही क्रीमी सा दूध बनेगा। अगर आपके पास कंडेंस्ड मिल्क नहीं है तो आप उसकी जगह पे शक्कर भी यूज़ कर सकते हैं। इसे भी मिक्स कर लें और दूध को अब हम पकने के लिए रखेंगे। ये पुडिंग जो है बहुत जल्दी बन जाती है, बस ये जो दूध है इसे हमें पकाना रहता है। तो ये देखिए, दूध को मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है, और इसमें जो मैंने कंडेंस्ड मिल्क ऐड किया है उसकी क्वांटिटी को आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो हम आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। तो ये देखिए, दूध में बॉयल आ चुका है और मैंने गैस को स्लो कर दिया है। स्लो फ्लेम पे हम इसे 4 से 5 मिनट तक और पका लेंगे। इसके बाद हम इसमें बाकी की चीज़ें और ऐड करेंगे। और आप देखिए, इसमें जो मिल्क पाउडर डाला था वो कंडेंस्ड मिल्क, उसकी वजह से दूध काफ़ी थिक दिख रहा है। इस तरह से ही होना चाहिए ये। तो अगर आपके पास कंडेंस्ड मिल्क हो तो वो ज़रूर डालें, उससे काफ़ी क्रीमी सा ये दूध बन के तैयार होगा और पुडिंग काफ़ी टेस्टी बनेगी। तो 4 से 5 मिनट तक दूध को मैं और पका लेती हूँ, उसके बाद हम इसमें बाकी की चीज़ें और ऐड करेंगे। तो ये देखिए, दूध को मैंने करीब 4 से 5 मिनट तक पका लिया है, और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ कॉर्नफ्लोर। ये मैंने 1/4 कप दूध लिया था, उसमें 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर को मिक्स कर लिया इस तरह से। अब इसे ऐड कर देंगे इसमें, और जब कॉर्नफ्लोर ऐड करें दूध में तो इसे इस तरह से चला के ऐड करें, और थोड़ा थोड़ा ऐड करें और इसे दूध को बराबर चलाते रहें, जिससे कि जो ये कॉर्नफ्लोर है इसकी गांठें नहीं पड़ेंगी दूध में। इस तरह से ऐड कर देंगे बस। अब मैंने कॉर्नफ्लोर 2 टेबल स्पून लिया है, इससे जो दूध है थोड़ा और थिक हो जाएगा। देखिए, दूध जो है ना बहुत जल्दी थिक हो जाता है कॉर्नफ्लोर से, देखिए एकदम क्रीमी सा हो गया। तो ये देखिए, कॉर्नफ्लोर डालने के बाद दूध पकने लगा है, इसमें हल्का हल्का ये देखिए बॉयल आने लगा है। ये बिल्कुल रेडी है। अब गैस को मैं बंद कर देती हूँ, और जब आप कॉर्नफ्लोर डालें तो इसे बराबर चलाते रहें दूध को इस तरह से। तो गैस को मैंने बंद कर दिया है, ये दूध जो है बिल्कुल तैयार है। देखिए आप, इसी तरह से होना चाहिए। और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून के करीब रोज़ एसेंस खुशबू के लिए। आप चाहें तो इसमें वेनिला एसेंस भी ऐड कर सकते हैं, या फिर आपको पसंद हो इलायची पाउडर वो भी ऐड कर सकते हैं, या क्योड़ा वाटर, वो आपकी पसंद पे है। जो भी खुशबू आपको पसंद हो वो इसमें ऐड कर लें। तो ये देखिए, ये बिल्कुल तैयार है। तो सब चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। तो पफ पेस्ट्री को जो है ना, अब हम
सेट कर लेंगे। तो ये जो मैंने पफ पेस्ट्री तोड़ के रखी थी, अब इसमें मैं थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट ऐड कर रही हूँ, इससे टेस्ट थोड़ा अच्छा आ जाएगा। ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ऐड करें, आप चाहें तो इसमें थोड़े ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, मैं बाद में गार्निशिंग में ऐड करूँगी इसमें। और अब इसमें ऐड कर देंगे दूध, जो हमने दूध रेडी किया था, और दूध को गर्म ही हमें ऐड करना है, इस तरह से ऐड कर देंगे। ये बहुत ही टेस्टी सी पुडिंग बनके तैयार होगी, आप देखिएगा जब आप बनाएंगे ना तो आपको बहुत पसंद आएगी। और फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं आप मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताया करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें अगर मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आ रही हैं, और साथ ही में मेरे वीडियोज़ को अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर किया करें। और आपको मेरे चैनल पर बहुत सी पुडिंग की रेसिपीज़ मिलेंगी, मैंने काफ़ी पुडिंग की रेसिपीज़ डाली हुई हैं अपने चैनल पर। तो ये देखिए, दूध मैंने जितना भी था सब ऐड कर दिया इसमें, और अब इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देते हैं। तो जब ये ठंडी हो जाएगी उसके बाद इसे हम गार्निश भी करेंगे, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी अच्छी क्रीमी सी पुडिंग बनके तैयार हुई है। थोड़ा इस तरह से कर दें, तो ये देखिए पफ पेस्ट्री पुडिंग को मैंने रख दिया था ठंडा होने के लिए, बहुत अच्छे से ठंडी हो चुकी है। अब इसे खोल के देख लेते हैं, मैंने इसमें फिलिंग रैप लगा दी थी और इसे ठंडा कर लिया है। ये देखिए बहुत ही अच्छी सी ये पुडिंग बनके तैयार हुई है, देखिए बहुत ही क्रीमी होती है, तो आप लोग इसे ज़रूर बनाइए, बन भी बहुत जल्दी जाती है। तो अब इसे गार्निश कर लेंगे कुछ ड्राई फ्रूट से, आप अपनी पसंद के हिसाब से इसे गार्निश कर लें जिस तरह से पसंद हो। तो जो इसमें मैंने डेसिकेटेड कोकोनट पहले ऐड किया था, थोड़ा सा भी और ऐड करूँगी, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, तो इसलिए मैं इसे ऐड कर रही हूँ इसमें। थोड़ा सा करेंगे, ज़्यादा नहीं, टेस्ट के लिए। और साथ ही में इसमें थोड़े से मैं ऐड कर रही हूँ बादाम और पिस्ते, आपको जिस तरह से पसंद हो उस तरह से गार्निश कर लें। मैं तो बहुत सिंपल तरीके से इसे गार्निश कर रही हूँ, ये देखिए बहुत ही अच्छी दिख रही है। और इसमें मैंने डाला है रोज़ एसेंस, जिससे इसमें आ रही बहुत ही अच्छी रोज़ की का फ्लेवर आ रहा है, तो इसमें मैं थोड़ी सी रोज़ पेटल्स ऐड कर रही हूँ, जो देखने में भी अच्छी लगेंगी और इसकी खुशबू और भी बढ़ा देंगी। तो ये देखिए पुडिंग कितनी अच्छी दिख रही है, जिस तरह से आपको पसंद हो उस तरह से इसे गार्निश कर लें, और ये पुडिंग जो है ना बहुत जल्दी बन भी जाती है और काफ़ी टेस्टी भी होती है। तो आप लोग अपने किचन में इसे ज़रूर ट्राई करें। और अब मैं आपको इसे सर्विंग प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ कि ये कितनी क्रीमी सी पुडिंग बनी है। तो पुडिंग को मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ सर्विंग बोल में, बहुत ही क्रीमी सी ये पुडिंग बनती है, तो आप लोग अपने किचन में इस पुडिंग को ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। देखिए कितनी अच्छी पुडिंग बनी है और बहुत ही क्रीमी बनी है, आपको मैं अलग से दिखाती हूँ कि इसकी क्रीम देखिए कितनी अच्छी दिख रही है। तो आप लोग इस पुडिंग को ज़रूर ट्राई करिएगा और देखते रहिएगा मेरे चैनल को, इसी तरह की टेस्टी टेस्टी रेसिपीज़ के लिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही में मेरे वीडियोस को अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें, एंजॉय करें। पफ पेस्ट्री पुडिंग, विश यू बाज किचन, थैंक यू।